Welcome to my channel @moresaloni featuring Saloni Gupta, and I make content related to fashion, beauty, lifestyle and travel. और आप मेरे चैनल पे आपका स्वागत है. सो गाइज, आज मेरा फर्स्ट लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट. एंड आज का ही दिन मैंने इसलिए वीडियो बनाने के लिए चूज किया बिकॉज टुडे इज गोना बी एन इवेंटफुल डे एंड आई वॉन्टेड टू टेक यू ऑल अलॉन्ग विद मी. सो द एजेंडा फॉर टुडे इज दैट फर्स्ट आई नीड टू टेक माई शावर, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. उसके बाद आई हैव माई ब्रेकफास्ट एंड देन आई हैव विल बी गेटिंग ड्रेस्ड अप बिकॉज आई हैव बीन इन्वाइटेड बाई अ ब्रांड फॉर देयर स्टोर ओपनिंग. सो आई विल बी गोइंग देयर एंड इट्स एन एथनिक ब्रांड एंड दे आर कमिंग विद देयर फर्स्ट लग्जरी स्टोर इन बैंगलोर. And I have been invited, so I'll be visiting there, creating some content. वो आपको देखने को मिलेगा. So brand के बारे कौन सी brand है वो anyways you'll get to know in some time. But meanwhile, अगर आपको कोई guesses आ रहा है कुछ दिमाग में, then please comment it down. मुझे बताओ कौन सा brand है. We'll love to hear from you. And yeah, so that's my agenda. And event के बाद we will go to a place for lunch. कहाँ जाएंगे पता नहीं, but we'll go to a good place and let's see. आज Saturday है तो usually we explore कुछ नई नई जगह. So whatsoever, कहीं पर भी जाए, कुछ भी करे, I'll be taking you along with me. So stay tuned. तो चलो मैं सबसे पहले नहा कर आती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ. Okay guys, just got done with my shower. इतनी गर्मी है बैंगलोर में कि पूछो मत. मतलब कभी वेदर इतनी अच्छी होती है, कभी वेदर इतनी ज्यादा स्टिकी ह्यूमिडिटी होती है कि मुझे समझ नहीं आता. बैंगलोरियंस माइट रिलेट ऑफ कोर्स कि मैं क्या बोल रही हूँ एंड इफ दैट मेक सेंस, बट इन जनरल आज काफी ज्यादा गर्मी है. ओके गाइस, तो पहली अपडेट ये है कि मैं काफी लेट चल रही हूँ. ऑलरेडी 10 से ज्यादा बज चुकी है. मुझे 11:45 बजे निकलना था. अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ना मैं रेडी हुई हूँ, ना ही मैंने मेकअप किया है. आई डोंट नो, और मुझे नेल कलर भी लगाना था. आप मेरे नेल्स की हालत देख सकते हो. पता नहीं, नेल कलर लगाने का तो मुझे नहीं लगता मुझे टाइम मिलने वाला है. सो अभी मैं इसको स्किप कर रही हूँ, बट बाकी सारी चीजें मुझे करना है एंड आई एम रनिंग एक्सट्रीमली लेट. आई डोंट नो हाउ विल आई मैनेज, बट अपन कर लेंगे, है ना. सो या ऑल्सो गाइज, आई एम प्लानिंग टू वेयर दिस ड्रेस. सो सिंस इट्स लाइक एन एथनिक ब्रांड, आई डिंट वॉन्ट टू वेयर ऑफकोर्स साड़ी और कुर्ती वगैरह तो मुझे नहीं पहनना था, बट आई वॉन्टेड टू वेयर समथिंग इंडो वेस्टर्न. यूजली वेन आई गो फॉर इवेंट्स आई वेयर वेस्टर्न लाइक ड्रेसेज एंड क्रॉप टॉप्स वगैरह, बट सिंस दिस इज एन एथनिक ब्रांड आई वॉन्टेड टू वेयर समथिंग एथनिक बट नॉट वेरी एथनिक. तो मैंने ये इंडो वेस्टर्न एक क्वाड सेट काइंड ऑफ अ थिंग ऑर्डर किया था मिंत्रा से. मैंने एक्चुअली कल ट्राई किया है, बट मैं बहुत हड़बड़ी में ट्राई की थी क्योंकि मेरा कल ऑफिस था तो मैं देख नहीं पाई अपने आपको अच्छे से बिकॉज आई हैड मीटिंग्स. बट बट इट वॉज लुकिंग गुड. आई एम होपिंग कि मैं आज मेकअप वगैरह करके इसको पहनूं, थोड़ा एक्सरसाइज करूं, तो आई होप इट विल लुक वेरी नाइस, बट आई एम नॉट श्योर. और अगर अच्छी नहीं लगी तो आई डोंट हैव एनी बैकअप थिंग राइट नाउ. कुछ दिमाग में नहीं है कि मैं बैकअप के लिए कुछ भी नहीं रखी हूं एक्चुअली. तो लेट्स सी, आई एम होपिंग कि ये मेरे पे अच्छा लगे. एंड या सो मैं फटाफट रेडी होती हूँ और मैं रेडी होने के बाद आपसे मिलती हूँ. सो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ. मैंने वो आउटफिट नहीं पहना जो मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया था क्योंकि पता नहीं वो मुझे उतनी जच नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक क्रॉप टॉप और एक ट्राउजर पहनती हूँ. सो दिस इज लाइक अ वाइट क्रॉप टॉप. इसकी स्लीव्स बहुत क्यूट है अगर आप देख सकते हो तो, और नीचे मैंने एक ब्लैक कलर का स्लिट पैंट पहना है. इट्स अ फुल लेंथ ट्राउजर एंड ऐसा कुछ आउटफिट है मेरा. मैं आपको फुल OOTD कुछ देर में दिखाऊंगी. और ये मैंने एक छोटी सी इयरिंग पहनी है, रिंग्स पहने हैं दोनों हाथों में थोड़ी बहुत, और मेकअप भी मैंने काफ़ी सिंपल रखा है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है. मैं मेकअप ज़्यादा नहीं कर सकती, मेरी मेकअप पूरी केकी हो जाएगी. और सॉरी अगर आपको पंखे का आवाज़ आ रहा होगा तो, क्योंकि बहुत गर्मी है यार, पंखा के बिना तो मैं नहीं रह सकती आज. अब देखो मैं कितना स्वेट कर रही हूँ, ये देख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है. एनीवेज गाइज, मैं अभी इवेंट के लिए निकल रही हूँ और मैं आपसे वहाँ पे मिलती हूँ फिर. सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे एक ब्रांड ने इनवाइट किया था अपने स्टोर ओपनिंग के लिए, तो मैं वहाँ पे गई, फटाफट से शूट की क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाना था. मैंने एक शॉट्स ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली हुई है अपने पूरे एक्सपीरियंस के ऊपर, आप चाहो तो चेक कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. कितनी गर्मी है भाई, सॉरी मैं कुछ वीडियोज़ नहीं ले पाई अंदर क्योंकि इतनी भीड़, इतनी गर्मी, पावर कट, मैं क्या बताऊँ. इसलिए आई कुडंट टेक एनी वीडियो फॉर यू गाइज, बट आई मेक अ रील तो आप लोग देखना उसमें. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो. आई
कहीं तो मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी सॉरी, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, तो आप लोग देख लेना. सो या आई गो ग्रैब समथिंग एंड देन आई मीट यू. सोचा कि चलो देख कर आते हैं थोड़ा म्यूजियम, डूइंग थोड़ा टूरिस्टी स्टफ. इफ यू आर वंडरिंग मैं कौन से म्यूजियम में आई हूँ, सो दिस इज द म्यूजियम विश्वेश्वरया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम. कितनी ह्यूज है, इतने बड़े बड़े मशीन्स हैं. सी दिस, I'm in H&M, my favorite outlet. I like the collection. Finally, they have come up with the new collection, and I seriously like the way they have organized all their clothes. Pink wo pure section mein hai. Fir yahan pe neutrals. Fir this section is full of green outfits. Liked it. चलो अभी देखती हूँ क्या खरीदूँ मैं. लेट्स सी. ओके गाइस, सो आई सॉ समथिंग. लुक एट दिस कलेक्शन, ओ माय गॉड, इट इज सो ड्रीमी मैन, लव्ड इट. गाइस, तो मैंने एच&एम से तो कुछ भी नहीं लिया, बट आई गॉट दिस फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स. मैंने थोड़े मेकअप ले लिए, मॉल आई हूँ कुछ तो लेना पड़ेगा यार, तो ले लिया. H&M से आई प्लानिंग टू बाई इट ऑनलाइन. नाउ आई एम हेडिंग फॉर डिनर फाइनली. सच अ टायरिंग डे, ओ गॉड, पता नहीं आज का दिन तो कैसे चला गया, मेरे को कोई आइडिया नहीं है. बट फाइनली आई एम बैक होम. आई जस्ट केम बैक 15 मिनट्स पहले एंड जस्ट वॉश माई फेस, मेकअप हटाया, कम्फी कपड़ा पहना, लूज सा, अब जाके मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है. एंड इट वॉज एक्चुअली क्वाइट अ प्रोडक्टिव डे, आई विल नॉट कम्प्लेन. काफ़ी इवेंटफुल डे था, दो इट वॉज हेक्टिक, मे बी बिकॉज ऑफ द वेदर और ज़्यादा हेक्टिक लग रहा था, बट क्वाइट अ प्रोडक्टिव डे. सो येस, आई लाइक इट. एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू गिव यू ऑल, प्लीज़ इग्नोर दिस नॉइज. मुझे पता नहीं ये क्या चला रहे बाहर, समथिंग दे आर, आई डोंट नो, प्लीज़ इग्नोर. कुछ तो यूज़ कर रहे हैं, कोई तो गाड़ी या समथिंग, एंड काइंडली इग्नोर. सो आई वॉन्टेड टू गिव यू ऑल द फीडबैक ऑफ दैट बर्गर मैन. जो इंदिरा नगर में हम लोग गए थे आज डिनर के लिए, बर्गर्स वर रियली टेस्टी. वी टुक टू बर्गर्स, वन वॉज मशरूम एंड वन वॉज पनीर. वी टुक पेरी पेरी फ्राइज, वी टुक टू ड्रिंक्स, ऑल ऑफ देम वर वेरी गुड. आई लिटरली गिव देम अ थम्स अप. अगर आप लोग को अच्छे बर्गर ट्राई करने हैं, यू आई शुड गो एंड एक्सप्लोर दैट प्लेस. We went for the first time and we loved it. In fact, I will say that this was one of the best burgers we had in Bangalore. Better than truffles. Yes, better than truffles. So, you guys can go and check out that place. And yeah, ये था मेरा एक छोटा सा review about Burger Man Indira Nagar. And उसके अलावा guys, I am literally very tired. So now I'll go and sleep. काफ़ी रात हो गई है. So I just wanted to end this video, so I thought that I'll just come do the outro and फिर मैं सो जाऊंगी. So yeah,
दिस वॉज माई डे. अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइज तो आपको पता है क्या करना है, यू नीड टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स फैमिली, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने नहीं किया है तो, एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन इन केस इफ यू हैव इट. एंड मैं काफ़ी सारे शॉर्ट्स वगैरह भी पोस्ट करते रहती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक देते रहो. एंड ऑल्सो प्लीज़ इस वीडियो के ऊपर भी फीडबैक देना, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो. मैंने फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग की है इन अ लॉन्ग काइंड ऑफ अ व्लॉग. मिनी व्लॉग्स तो मैंने बनाया है थोड़ा बहुत, बट दिस इज़ लाइक माई फर्स्ट लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो. तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताओ आप लोग को कैसा लगा, वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम्ड, तो बताओ, आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन. सो या विद डैट I'll go sip some water and go off to sleep, and I'll see you all next time. Bye guys.